पंजाब कांग्रेस दे वल्लों पहला सूबा प्रधान बदलिया गया ते हुण चर्चा चल रही है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंत्री मंडल दे विच भी फेरबदल कर सकते ने। मंत्री मंडल दे फेरबदल दे नाल नवे बने सूबा प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू केमे दे मंत्रियों नूं झटका लग सकता है अते कैप्टन दे नजदीकियां नूं मंत्री मंडल दे विच जगह मिल सकती है। कनौर तो कांग्रेसी विधायक मदन लाल जलालपुर ने इस गल तो साफ इनकार कर दिता है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस नूं उप मुख्यमंत्री तां मिल सकता है पर मंत्री मंडल विच फेर बदल नहीं होएगा। सिर्फ 6 महीनियां लई मंत्री बनन दा कोई फायदा नहीं है क्योंकि हुण चोणा लड़न दा समां है। पहले हमारा प्रेजिडेंट चेंज हुआ, सिद्धू साहब प्रेजिडेंट बने, दलित की भी काफ़ी वोट है, जैसे जनरल की वोट है ना, दलित की भी 30-32% वोट है। जो इस जैसे अभी सुखबीर ने कहा मैं डिप्टी मुख्यमंत्री दो बनाऊंगा, एक हिंदू बनाऊंगा, एक दलित बनाऊंगा, कांग्रेस को भी चाहिए कि दलित मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री बनाना। तो जैसे एक्टिंग प्रधान 4 लग गए तो 2 डिप्टी मुख्यमंत्री लग जाए तो थोड़ा कम्युनिटी में जो SC कम्युनिटी है या BC कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है इसमें थोड़ी ताकत तो पकड़ते हैं ना, होने चाहिए, मैं तो कहूँगा बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से अकाली दल जो है वो कह रहा है कि एक दलित चेहरा होगा DPCM, तो उसकी उसी को लेकर जो है कांग्रेस वो नहीं है। हाँ। मेरे कहते आजकल सारे देखो चैनल चल, किसी ने कहता हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस भी तो कुछ करेगी ना, उसको भी करना चाहिए। जे लाइक हैं हमारे पास जीते हुए हैं, देखो CM तो मुख्यमंत्री हैं पर डिप्टी मुख्यमंत्री जो बन जाएंगे उसमें बेहतरी होगा, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा सर, जिस तरह से कह रहे हैं कि विस्तार होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, कई मंत्रियों की छुट्टी होगी, ये कहा जा रहा है कि जो सिद्धू खेमे के जो मंत्री उनको हटाया जा सकता है, आपको लगता है कि 2 धड़ों में दोबारा बन जाएगी कांग्रेस? बिल्कुल नहीं बनेगी। हाँ। नंबर 1 तो होगा ही नहीं, विस्तार नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा। जो होगा तो जी सीट 1-2 है वो सेटलमेंट हो जाएगी, 6 महीने तो इलेक्शन में रह गए, अभी विस्तार क्या होगा, दिसंबर में रिकॉर्ड लग जाएगा, 7 महीने तो निकल के 5 महीने के लिए कोई बनेगा मंत्री? आप विधायक हैं, आप चाहते हैं कि विस्तार हो? बिल्कुल मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ। मैं तो कहता हूँ ये तो हमारे इलेक्शन लड़ने का टाइम है। हाँ। जो लोगों के बीच में जाने का, हाँ, लोगों के बीच में जाने का, ये मंत्री बनने का तो है ही नहीं, समय ही नहीं है मंत्री बनने का। हाँ। और कोई फायदा भी नहीं किसी को, जो जेड़ा बनेगा उसको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अच्छा। मेरा कहना है जैसे चल रहा है चलने नहीं दो, सरकार अच्छी चल रही है, सिस्टम जा रहा है, सारे मंत्री काम करें, करने दो उनको। कैप्टन सरकार दे विच मंत्री मंडल दे फेर बदल दी चर्चा नु लेके विरोधी पार्टियां गुस्से दे विच आउनियां विखाई दे रहियां ने। आम आदमी पार्टी दे बुलारे मालविंदर सिंह ने तिखा तंज कसदियां कहा कि कांग्रेस चाहे प्रधान बदल ले ते चाहे मंत्री मंडल बदल ले पर इसका पंजाब दे लोकां नु कोई भी फायदा नहीं होएगा। बात ये है जी, पहले कांग्रेस ने अपना प्रधान बदल लिया, कांग्रेस ने जो सबसे फेलियर चीफ मिनिस्टर है पंजाब का उसकी कुर्सी बचा ली। अब चाहे ये कैबिनेट बदल लें, चाहे वजीर बदल लें, चाहे डिप्टी CM बना लें, उससे पंजाब का तो कोई मसला नहीं ना हल हुआ। ये तो सारी जोड़ तोड़ है सिर्फ सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोगों को सेटिस्फाइड करने की सारी जो रणनीति है या पूरा प्रोसेस है, इसमें पंजाब के मुद्दे, पंजाब का जो इतना रेवेन्यू का नुकसान है, पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट है, गुरु साहब की बेअदबी का मसला है, वो सारे मुद्दे तो वहीं खड़े हैं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं ना हुआ। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी ये एक्सरसाइज हो रही है कांग्रेस द्वारा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की आपसी लड़ाई को कम करने के लिए हो रही है, पंजाब के लोगों का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, पंजाब के लोगों के बारे में इसमें कहीं चिंता नहीं है, कहीं चिंतन नहीं है। तो अब जो मर्जी कर लें 4.5 साल बाद, लेकिन पंजाब के लोग इनको एक्सेप्ट करने वाले। लेकिन आपको लगता है कि 2 गुटों में डिवाइड हो जाएगी, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, एक तरफ वो हैं, कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो खेमे के मिनिस्टर हैं उनको हटाया जा रहा है? देखो गुटबाजी तो जिस दिन सिद्धू साहब की जो वहाँ इनको ये ताजपोशी जिसको बोलते हैं ये उसी दिन दिख गई थी, जिस तरीके से कुछ मंत्रियों को ऊपर बिठाया गया, कुछ को नीचे बिठाया गया और सारी स्टेज किस तरह से चली और खासकर मुख्यमंत्री जी का नाम भी उन्होंने स्टेज से नहीं लिया, तो इससे जब बड़ी गुटबाजी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सो बात ये नहीं है, असल मुद्दा ये है कांग्रेस का भी जो बेसिक इशू है उस पर उससे सारी इंटेंशन डाइवर्ट कैसे की जाए, उसके लिए इन्होंने एक नया नायक उभारने की कोशिश की है सिद्धू के रूप में, लेकिन
मैं बड़ी जिम्मेवारी से आम आदमी पार्टी ये कहती है भी अब चाहे नवजोत सिद्धू बन जाएं, चाहे वो मुख्यमंत्री भी बन जाएं, पंजाब के लोग इनके जो गुमराह करने वाली रणनीति में उसमें नहीं आएंगे। पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस ने और अकालियों ने मिलकर लूट खसूट की है वो कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने है और लोग इनको स्वीकार करने वाले नहीं है 2022। ठीक है सर। कोरोना के कटन तो बाद हुन पासपोर्ट बिनेकारा की गिनती दे विच वाधा होना शुरू हो गया है। खेतरी पासपोर्ट दफ्तर दे एक अधिकारी ने दसिया कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा केंद्रा दे विच 75% बिनेकारा नू अपॉइंटमेंट देन दी मंजूरी दिती हुई है। इस तो पहला 50% अपॉइंटमेंट दिती जा रही सी। उन्होंने दसिया कि हुन लोग नवे पासपोर्ट बनाउन दे लई अगे आ रहे ने। पिछले 1.5 साल दे विच पासपोर्ट बनाउन वाले लोगों की गिनती बहुत घट हो गई सी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विदेश मंत्रालय दे वल्लों अगस्त महीने दे शुरू दे विच पासपोर्ट सेवा केंद्र विच बिनेकारा लई अपॉइंटमेंट 100% खोली जा सकती है। इस नाल पासपोर्ट सेवा केंद्रा दे विच बिनेकारा की गिनती बढ़ जाएगी, पर इस दे नाल ही पासपोर्ट सेवा केंद्रा दे विच कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना की जा रही है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे वल्लों 12वीं जमात की सालाना परीक्षा मार्च 2021 का नतीजा 30 जुलाई मतलब कि आज ऐलाना जाएगा। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर योगराज ने दसिया कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक 12वीं जमात का नतीजा 30 जुलाई नूं बाद दोपहर ऐलाना जा रहा है। जिक्रयोग है कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड अधीन 12वीं जमात दे विच करीब 3 लाख प्रीख्यार्थी ने। बोर्ड के प्रीख्या कंट्रोलर जनक राज मेहरोक ने दसिया कि इस नतीजे लई जो फार्मूला पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने अपनाया है उसके मुताबिक 30% अंक 10वीं जमात के आधार ते ने, 30% अंक 11वीं जमात के आधार ते ने, 40% अंक 12वीं जमात के आधार ते जोड़ के नतीजा ऐलाना जाएगा। ये नतीजा आम जनता के लिए 31 जुलाई नूं सिक्ख्या बोर्ड की वैबसाइट ते पाया जाएगा। बीती रात तो बठिंडा ते आसपास दे इलाकियां दे विच पै रही बारिश दे नाल जिथे लोकां नूं राहत मिली है उथे हेठले इलाकियां दे विच पानी भरन दे कारण लोकां नूं मुश्किलां दा सामना करना पिया है। हालांकि बारिश रुक रुक के हुंदी रही जिस कारण बहुत ज्यादा मात्रा दे विच पानी जमा नहीं हो सकिया, पर इस दे बावजूद सिकरी बाजार सिविल लाइन इलाका लाइनो पार दा कुछ इलाकियां दे विच पानी भर चुका है जिस नाल लोकां नूं परेशानियां दा सामना करना पिया। मौसम विभाग दी रिपोर्ट दे अनुसार बठिंडा दे विच 33 mm बारिश दर्ज की गई है। विभाग दे अनुसार आने वाले 24 घंटे दे दौरान आसमान ते बदल छाए रहेंगे ते हल्की तो दरमियानी बारिश होने दे आसार ने। पंजाब भर दी आशा वर्करा सड़कों ते ने, पंजाब सरकार खिलाफ गुस्से दी लहर है। मामला है तनखाहां च वाधा करन दा। लुधियाना दे विच अज सैकड़ियां दी गिनती दे विच आशा वर्करा ने डिप्टी कमिश्नर दे दफ्तर दा घिराव कीता। पंजाब कांग्रेस दे खिलाफ जम के अपनी भड़ास कड्ढी अते भांडे खड़का के अपना रोस जाहिर कीता। उन्हां ने कहा कि सरकार ने उन्हां नाल वादा खिलाफी कीती है। तनखाह वधाउण, इंसेंटिव देण ते स्मार्टफोन दिते जाण दा वादा सरकार दे वल्लों कीता गया सी, परंतु इस मसले दे विच सरकार ने अजिहा कुछ नहीं कीता। आशा वर्करां ने कहा कि कोरोना काल दे दौरान उन्हां ने जी तोड़ मेहनत कीती है अते उन्हां दी मेहनत वल सरकार दा कोई ध्यान नहीं है। 4,000 रुपए मामूली तनखाह दे के सरकार उन्हां नाल मजाक कर रही है। मेरा नाम किरणदीप कौर पंजोला, पंजाब प्रधान आशा वर्कर ते फैसिलिटर यूनियन। आज की तुसी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, की मंगा जी तुहाडी? देखो जड़ा आज लुधियाने दे विच भारत चौंक है ये सानू बंद करना पिया क्योंकि जिला प्रशासन वालों कोई मंग पत्र साडे कोल लैण नहीं पहुंचिया, जबकि असी पब्लिक नू परेशान नहीं करना चाहुंदे क्योंकि पब्लिक पहला ही सरकारां दीआं परेशान कीतीआं होईआं ने। असी तां सिर्फ ते सिर्फ मंग पत्र देना ते उदों तक साडा जिहड़ा जाम है उह जारी। मंग की है, तुहाडी मंग की है जी? साडी मेन मंग है हरियाणा पैटर्न पंजाब सरकार दवे प्लस इंसेंटिव कीता जावे आशा वर्करां लई ते फैसिलेटरां लई।
ਲਈ ਫਿਕਸ 4000 ਰੁਪਇਆ ਪਲੱਸ ਇਨਸੈਂਟ ਟੂਰ ਮਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੇਸ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਗਈਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋਊਗੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 19 ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਬਲੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਵਨਗਰ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਫੋੜਿਆ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਫੋੜਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੋੜਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਘੜੇ ਫੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਧੁੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੋਗਪੁਰ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ PDS ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਧਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ SSC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਆਹ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜਾਓ SSP ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਵੇ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਉਨਕੇ MPs ਹੈ ਵੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਸੇ ਭਟਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੋਂ ਪੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ
यही लगा रही कि किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो। मंत्री जी, किसानों की मांगे पूरी करो। बात सुनो। और जो यहाँ से मंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जी गए हैं, उनको भी किसानों की बात पूरी करने को कहा है। अभी गडकरी साहब गए, उनको भी गए हैं, प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे हैं। जो मंत्री जा रहे हैं, लगातार हम पहले दिन से यही मांग कर रहे हैं। और आज मैं हरेक बड़ी पार्टी को, खास तौर पे हम लोग के 100 एक दूसरे के साथ शिकवे हो सकते हैं, हमारे एजेंडे अलग हो सकते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पे हम इकट्ठे हो। हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा और हमें राष्ट्रपति जी ने कल का समय दिया है। आज मैं कांग्रेस को, टीएमसी को, डीएमके को, जिनके पास बड़ी बड़ी गिनती में है, उनको बेनती करूंगी कि हम 7-8 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। इकट्ठे होकर विपक्ष राष्ट्रपति जी को जाके बताए कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ा के विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, किसानों की बातों को कुचला जा रहा है और देश के अन्नदाता का अपमान किया जा रहा है, देश के लोगों का अपमान किया जा रहा है। दूसरी बात, हमने 8 पार्टियों को इकट्ठा करके स्पीकर साहब के पास भी हमने एक चिट्ठी बनाई है कि जो मंत्री जी ने, यहाँ के खेती बाड़ी मंत्री ने कहा कि किसानी आंदोलन में हमें नहीं पता कि किसी किसान की मौत हुई है, एक जेपीसी स्पीकर साहब बैठाए जो अन्नदाता अपनी जाने गंवा रहे हैं ये काले कानून रद्द कराने के लिए। और केंद्र की सरकार कह रही कानून इतने अच्छे, किसान कोई मर ही नहीं रहा इनको रद्द कराने के लिए। तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे, सारी बड़ी पार्टियां हमारा सहयोग करके स्पीकर साहब के पास जाके ये कमेटी बनवाए और जोर लगाए कि ये जो किसान शहीद हुए हैं इनकी शहादत का मूल पड़े और एक जेपीसी बने जो ये काले कानूनों को रद्द करने का क्या कारण है जो किसान अपनी जान गंवा रहे हैं, इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम। उन्हें कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है, ये 3 विवादित खेती कानूनों के विषय ते विचार वटांदरा नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें कानूनों नु सरकार ने अपने चहेते कारोबारी घराणियां दे फायदे लिए घड़िया है, पर विचार वटांदरे तो वार वार इनकार किए जाने के बावजूद साड़ी हिम्मत टूटेगी नहीं बल्कि होर दृढ़ होगी। जदों तक ये कानून रद्द नहीं होंगे पार्लीमेंट विच साडा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।